हेलो फ्रेंड्स, वाई वाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने दो तीन वीडियो पहले ही बनाए थे, जहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई थी, और उन कैटेगरीज़ के अंदर मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना चल रहा था, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो गई थी अपनी, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात चल रही थी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में मैंने आपको बताए थे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, कि जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं, और कौन कौन से होते हैं जो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। उसके साथ देखिएगा कि अब हम आज आगे हम बात करेंगे, देखिएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, कि जो लैंग्वेज होती है जो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने कल आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहाँ से कई बार अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि देखिएगा, मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में बताया था कि कंपाइलर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन उसको रीड चेंज करने का काम करता है। ये भी बताया था कि कंपाइलर होता है वो एरर एफिशिएंसी के अंदर दक्ष नहीं होता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है वो एरर एफिशिएंसी में दक्ष होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है। ठीक है, उसके साथ मैंने ये बताया था कि जो प्रोग्रामिंग के दौरान जो एरर आती है, जो त्रुटि बनती है, उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, इस बग को हटाने को डीबग बोलते हैं। ठीक है, एरर कौन सी होती है ये भी हमने बात कर ली थी। अब थोड़ा सा हम बात करें आगे, तो देखिएगा कि यहीं से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बता दूं आपको कि देखिएगा, प्रोग्रामिंग के दौरान जब एरर आती है उसको बग बोलते हैं, एरर को हटाने को हम डीबग बोलते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ एक टेक्नोलॉजी और होती है, जिसमें देखिएगा एक टर्मिनोलॉजी है, जिसे देखिएगा इसका नाम होता है टेस्टिंग। इसके बारे में आपको बता दूं, देखिएगा बड़ा छोटा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आता है टेस्टिंग के बारे में, कि टेस्टिंग क्या होती है, कि देखिए ये क्यों मैंने बताया है, क्योंकि देखिएगा अगर आपसे पूछे कि एरर को हटाने को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में आपको टेस्टिंग ही मिलेगा। अब टेस्टिंग मिलेगा तो देखिएगा टेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में जाना चाहिए, उसका आंसर तो डिबग होता है, डिबगिंग बोलते हैं, डिबग के द्वारा उसको हटाते हैं। टेस्टिंग क्या होती है, देखिए टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है। कैसे, कि देखिएगा कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने की एक फेज होती है, उस फेज को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उस फेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा SDLC, काफ़ी अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन ये कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपकी एग्जाम में, आई हुई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है। SDLC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SDLC की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी एक फेज होती है, एक साइकिल होती है। डायरेक्टली नहीं कि हम जैसे कंप्यूटर बैठ गए, सॉफ्टवेयर को बना दिया, अरे काम हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी फेज होती है, फेज होती है इसकी 7 फेज होती है। 7 फेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि पहली फेज होती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी प्राथमिक जांच पड़ताल। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्राथमिक जांच पड़ताल करते हैं। प्राथमिक जांच पड़ताल का मतलब क्या होता है, कि कोई भी आप कोई भी चीज़ को खरीदते बेचते हो या कोई भी चीज़ को बनाते हो, तो सबसे पहले आप उसकी प्राथमिक जांच पड़ताल करते हो कि ये चीज़ मेरे से बनेगी नहीं बनेगी, और बनेगी तो इसके अंदर ये मेरे लिए फीसिबल होगा कि नहीं होगा। यानी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ये हम चेक करते हैं कि इसमें एक फीसिबिलिटी स्टडी बनती है, यानी ये चीज़ मेरे भोगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मान लीजिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई कस्टमर किसी सॉफ्टवेयर बनाने के पास, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसको बोलता है भैया ये सॉफ्टवेयर बनाता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर पर सबसे पहले ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ये मेरे लिए फेसिबल है या नहीं, मैं बना सकता हूँ नहीं बना सकता, ये मेरे लिए रीजनेबल है या नहीं है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, प्राथमिक जांच पड़ताल होती है। उसके बाद में आता है आपका दूसरी फेज होती है, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, कि मान लीजिएगा आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर को आपने, कोई भी कस्टमर आया और आपको बताया कि भैया मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपने फीसिबिलिटी स्टडी बनाई कि भैया हाँ मेरे लिए भोगे पड़ेगा, बन जाएगा। मान लीजिए कोई किसी ने आपको चाय बनाने का सॉफ्टवेयर दे दिया, बनता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बात करें, कोई सॉफ्ट चाय बनाने का सॉफ्टवेयर दे दिया, तो सबसे पहले आपने प्राथमिक जाँच पड़ताल की, भाई मैं चाय बना सकता हूँ, बनाऊँगा तो मेरे लिए रीजनेबल है या नहीं, बात हो गई। दूसरी फेज के अंदर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उस चीज़ से। अब चाय बनाने के लिए हम, मुझे क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हम रिक्वायरमेंट यूजर से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में अगली जो फेज होती है वो होती है डिजाइनिंग फेज। देखिए डिजाइनिंग फेज क्या होता है, कि देखिए
कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम डायरेक्टली उस कंप्यूटर पर हम जाके उसको कोडिंग वोडिंग करना, कोडिंग तो बाद में की बात होती है, लेकिन उससे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका रफली कार्य करते हैं उस वो डिजाइनिंग फेज के अंदर होता है। और डिजाइनिंग फेज के अंदर देखिए क्या होता है कि कोई भी हम रफली जो भी सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं, फेजेस हम लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो बड़ा सीधा सिंपल क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में काफी दफा पूछा गया है। एक तो होता है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में एक तो आता है आपका एल्गोरिथम और एक होता है फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट होता है, इनके बारे में भी जानना जरूरी होता है कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, उसी डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग फेज में आती है। फिर एक डीएफडी और होता है, एक डीएफडी होता है, डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ये भी बने जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ये दो शब्द लिखे हैं, ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डिजाइनिंग फेज के अंदर जो पेपर रफली कार्य होते हैं उनके अंदर ये एल्गोरिथम्स बनाई जाती है और फ्लो चार्ट बनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें एल्गोरिथम के बारे में, तो एल्गोरिथम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम आर कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी किसी भी समस्या का समाधान अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो वो क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भैया आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना, मैंने चाय बनाने का सॉफ्टवेयर दिया, तो चाय बनाने के सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो उसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा कि आपने पहले स्टेप में क्या किया कि आपने कोई यूटेंसिल से बर्तन लिए, दूसरी स्टेप के अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स आपने चाय ली, तीसरी स्टेप के अंदर आपने उसको दूध लिया, चौथी स्टेज में आपने उसको बर्नर जो आपकी चूल्हे पर रखा, पांचवी स्टेप में आपने उसमें चाय वो पत्ती वो दूध डाला, छठी स्टेप में आपने उसको वो बॉयल किया, सातवीं स्टेप में आपने उसको छान लिया और आठवीं स्टेप उसको पी लिया। तो ये जो भी आपने जो चाय बनाया उस पूरा जो वो सॉफ्टवेयर था, जो भी काम था, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी किसी भी समस्या का समाधान अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो वो क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है कि अगर इसी समस्या का समाधान अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाता है वो तो एल्गोरिथम होता है, इसी समस्या का समाधान अगर डायग्रामेटिक रूप से यानी चित्रात्मक रूप से उसको प्रदर्शित करके किया जाए तो वो क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आते हैं, एक तो एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम और कार्ड फ्लो चार्ट होता है, सॉरी एल्गोरिथम होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी समस्या का समाधान अगर चित्रात्मक रूप से किया जाए वो होता है फ्लो चार्ट होता है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन प्रीलिमिनरी प्राथमिक जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट है वो पता कर लिया, तीसरी स्टेप डिजाइनिंग फेज हमने पेपर वर्क कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन काम कर लिया, चौथी स्टेज होती है वो होती है आपकी कोडिंग, उसके बाद हम जाते हैं कंप्यूटर पर, वो होती है कोडिंग होती है। कोडिंग में जो भी आपकी कोडिंग होती है वो कोडिंग आपकी लिखी जाती है, कोडिंग के लिए आपकी लैंग्वेज चूज की जाती है। लैंग्वेज अभी बताऊंगा आपको मैं कौन कौन सी लैंग्वेज थी, कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप उस प्रोग्राम को कोडिंग को आप लिख सकते हैं। चौथी स्टेप के बाद में आपकी पांचवी स्टेप आती है, वो आती है आपकी टेस्टिंग। टेस्टिंग के बारे में बात करें तो देखिएगा कि टेस्टिंग से मैंने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देखा भी गया है कि टेस्टिंग से क्या क्वेश्चन बनता है। पहले तो बात करें टेस्टिंग क्या होता है, तो देखिए टेस्टिंग क्या होता है, कोई भी आपने चाय बनाने का सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो चाय बनने के बाद में कस्टमर को ये पिलाने से या किसी को पिलाने से पहले थोड़ा सा आप चेक भी करते हो कि वो चाय सही बनी है कि नहीं बनी है, तो वो क्या होती है, वो टेस्टिंग तो होती है। और कंप्यूटर के अंदर टेस्टिंग क्या होती है, वही चीज़ होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में उसको क्रियान्वित करके ये चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि भाई टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग सब जानते हैं कि टेस्ट किसी भी कार्य को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली काम करता नहीं करता, वो टेस्टिंग होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो टेस्टिंग से आता है कि टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली टेस्टिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था कि टेस्टिंग का प्रकार है या टेस्टिंग होती है तो दो तरीके की होती है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। अब इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि व्हाइट बॉक्स क्या होता है। व्हाइट बॉक्स को बोलते हैं यूनिट ऑफ टेस्टिंग,
यूनिट ऑफ टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम्स आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया था उसके अंदर आपके एक एक यूनिट्स की प्री टेस्टिंग की जाती है। ये प्रोग्राम की अर्लियर स्टेज के अंदर इस टेस्टिंग को कर लिया जाता है। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर यूनिट ऑफ टेस्टिंग, आपने कितने यूनिट्स बना रखी है, आपने कितनी लाइन ऑफ कोड्स लिख रखे हैं, ये सारी के सारी टेस्टिंग होती है व्हाइट बॉक्स के अंदर आ जाती है। दूसरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी दफ़ा एग्ज़ामों में जो आपकी बड़ी लेवल की एग्ज़ाम होती है, आपकी TGT लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, आपकी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स की एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा इसका क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या बोलते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम बिहेवियर टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। बिहेवियर टेस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम की जो बिहेवियर होते हैं सॉफ्टवेयर उसकी टेस्टिंग किया जाता है। और ये जो टेस्टिंग होती है ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज के अंदर इस टेस्टिंग को किया जाता है। तो बेसिकली जो मैंने आपको टेस्टिंग बताई वो दो तरीके की टेस्टिंग थी, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर को हमने डेवलप भी कर लिया, डिजाइनिंग कर लिया, उसको हमने कोडिंग भी लिख ली, उसके बाद टेस्टिंग भी कर ली, उसके बाद में आपका इंप्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, चाय बनाए, तो चाय को बनाने के बाद उसको परोसते हैं, अगले वाले को दे देते हैं, वो क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में अगला होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि उसको वही वारंटी वारंटी मिलती है कि भाई ये कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी फ्यूचर में कोई भी इसमें कोई मुझे कोई अपडेट करना होता है तो वो मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, कोई भी हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी 7 स्टेज होती है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने की। तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले तो ये स्टेज की फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैंने क्यों बताया क्योंकि यहां से टेस्टिंग से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो यहां पे अपना जो टेस्टिंग वाला काम था वो कंप्लीट होता है। और ये जरूर ध्यान रखना है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होती है, तो ये हमने बात की दोनों के बारे में। और ये DFD क्या होता है, DFD के बारे में बात किया, डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं, ये भी फ्लो डायग्राम्स होते हैं जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो आपका टेस्टिंग वाला पोर्शन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करें तो देखिए देखिएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज जो भाषाएं होती हैं उनको हाई लेवल को लो लेवल में बदल देते हैं, उच्च स्तरीय को निम्न स्तरीय में बदलने का काम करते हैं, वो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो लैंग्वेज वाला पोर्शन, देखिए ये भी जो बात चल रही थी वो भाषाओं से चल रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, बीच में कुछ जो बग्स आए थे उनके बारे में टेस्टिंग भी आई थी, फिर टेस्टिंग के अंदर आपके एल्गोरिथम आ गए थे, तो ये भाषाओं से रिलेटेड ही होते हैं। अब भाषाओं के बारे में बात करें तो देखिएगा कि ट्रांसलेटर होते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का काम करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी उच्च स्तरीय भाषा होती है और कौन सी निम्न स्तरीय भाषा होती है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो प्रोग्रामिंग भाषा तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक साइड हम LLL का मतलब लो लेवल और एक साइड हम लिखते हैं HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। अब दोनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है LLL और HLL के अंदर। देखिए लो लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पहली बात तो ये कि जो लैंग्वेज होती है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अगर लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हो तो ये आपकी होगी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ, मशीन डिपेंडेंट का मतलब मशीन आधारित, यानी इसके अंदर क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स आपने बना लिया वो मशीन डिपेंडेंट होता है कि एक मशीन का प्रोग्राम दूसरी मशीन पर नहीं चल सकता था, ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। और मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इस प्रोग्राम को कई मशीन पर आप रन कर सकते, तो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा डिफरेंस बात करें तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है आपके नियर टू मशीन, मशीन के नज़दीक होते क्यों होते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये 0101 के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं तो मशीन यही समझती है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये होती है आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वो मशीन ओरिएंटेड होती है कि मशीन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर मशीन पे फोकस कर रखना पड़ता था कि भाई आपके कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मशीन डिपेंडेंट थी कि भाई ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए ध्यान रखना पड़ता, तो ये पर्टिकुलर मशीन डिपेंडेंट थी। ये होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई हार्डवेयर को कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक्चुअल के अंदर जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ही फोकस करना पड़ता था। यहाँ पे हमें नहीं देखना पड़ता था हाई लेवल में कि आपके कंप्यूटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या चलेगा प्रोग्राम, क्या नहीं, कौन से मशीन पर चलेगा, ये किसी को देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है उसी को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तीसरी डिफरेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो डिफरेंस ये होता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उस लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती है
वो 0101 होती है। अब 0101 में काम करते हैं तो कंप्यूटर भी यही समझता है, तो कंप्यूटर भी ये समझता है, लिखते भी यही है, तो किसी प्रकार के ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो हम लिखते हैं वही कंप्यूटर समझता है, इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांसलेशन। पहले उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदला जाता है, ट्रांसलेशन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा, ये तो इनके डिफरेंस के बारे में बात थी। डिफरेंस के अलावा हम बात करें कि अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं के बारे में बात करें, तो सबसे पहले लो लेवल की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है, एक तो आती है मशीन लैंग्वेज आती है, एक आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होता था, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल कैटेगरी में आती है, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होते हैं वो दोनों आपकी लो लेवल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो बच गई सारी के सारी वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। बच गई कौन सी? इसमें तो आती है आपकी C++, एक जावा, एक कोबोल, फॉर्ट्रॉन, बेसिक, लोगो, पास्कल, लिस्प, प्रोलॉग, ओरेकल, आपकी एसक्यूएल, आपकी एल्गोल, VB.NET, C# भी बोलते हैं, स्नोबॉल, ठीक है। ये जो मैंने आपको भाषाएं लिखाई हैं, ये देखिए इनके अलावा भी बहुत सी सैकड़ों भाषाएं बनाई गई हैं, लेकिन कुछ अपनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको लिखाई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताई, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज आपको पता है दो आती है, इसमें तो मशीन लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज बहुत, इनके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। अब यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा जाता है कि निम्न में से लो लेवल कौन सी होती है, तो लो लेवल बता देंगे, हाई लेवल कौन सी होती है, तो हाई लेवल हमने लिख ली। या पूछ लेता निम्न से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है, तो प्रोग्रामिंग भाषा तो ये भी होती है, प्रोग्रामिंग भाषा ये भी होती है। अब इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के, इनके अलावा भी और कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आता है कि इन लैंग्वेज से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय वे पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू बेंच अप्लान, शानदार तालियां लौटी से करना चाहिए। पकड़ा उस पानी में डालना जबरदस्त।
उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा लिया, उसने पूरा जोर लगा लिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब के एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके लिए, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके लिए।